हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अब सप्ताह में दो दिन मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेगा सोमवार और मेगा मंगलवार कोरोना का विशेष टीकाकरण होगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि बीते सोमवार को प्रदेश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1,06,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और अब तक 7.50 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अधिक जोर दिया जा रहा है और प्रतिदिन टेस्टिंग दर भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब पर डे 25,000 की टेस्टिंग हमारी होगी। आरटीपीसीआर टेस्टिंग हमारी 93% है और मैं समझता हूँ इससे भी और आगे बढ़ाने का हम सब ये प्रयत्न करेंगे। इसके अंदर एक जो विशेष बात मुझे जोड़नी है, हमारे यहाँ जो टेस्टिंग हुई है या जो केसेस बढ़े हैं उसके अंदर कुछ जिलों में, खास करके करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों में, स्कूलों के अंदर कुछ विद्यार्थी वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और पूरे हरियाणा में पिछले यानी पहला सप्ताह मार्च का है उसके अंदर 1,167 स्कूल विद्यार्थी उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे सब स्कूलों में स्क्रीनिंग और टेस्टिंग, जहाँ आवश्यकता होगी टेस्टिंग की, पहले स्क्रीनिंग करा करके और एक अभियान लेकर के इन स्कूलों में हम ये सब काम ये कर रहे हैं। कुछ स्कूलों को हमने कंटेनमेंट जोन बना दिया है ताकि वहाँ ये स्थिति और आगे न फैले। हमने जहाँ तक वैक्सीनेशन का विषय है, वैक्सीनेशन के लिए पिछले अभी तक एक दिन स्पेशल मेगा मंडे करके हमने पिछले 3-4 सप्ताह में कराया है जिसमें लगभग 1,00,000 तक भी टेस्ट हुए हैं। अब इसको हम दो दिन कर रहे हैं, मेगा मंडे मेगा ट्यूसडे। अभी कल ट्यूसडे था तो उस समय भी हमारे 65,000 कल टेस्ट हुए यानी वैक्सीनेशन हुआ और सोमवार को, पिछला सोमवार जो गया है 15 तारीख का, 1,59,000 ये हमारे वैक्सीनेशन के टीके लगे हैं।